इस लेटर को गौर से पढ़िए, इस लेटर में लिखा हुआ हर एक अक्षर जो है वो गौर से पढ़िए। ये लेटर जो है वो तमाम जो हवाला दिया जा रहा था केंद्र सरकार द्वारा कि अब हर एक जो शख्स कश्मीर के अंदर है उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाएगी, उन बातों पर कड़ा तमाचा मारा जा रहा है इस लेटर को जारी कर कर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लेटर जो है आप तस्वीरों में देखिए, लश्कर इस्लाम एक संगठन है उसके द्वारा ये लेटर जो है ये जारी किया गया है। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने भी आरएसएस के एजेंट्स हैं, उन सबको जो है छोड़ना होगा, लीव करना होगा कश्मीर को, या फिर डेथ को जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी लिखा गया है किसी भी कश्मीरी पंडित की यहाँ पर कोई भी जगह जो है वो नहीं है, और अनदर इसराइल जो है वो हम कश्मीर में नहीं बनने देंगे, कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं उनकी हत्याएं नहीं होंगी। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अपनी सिक्योरिटी जो है उसे डबल ट्रिपल कर लीजिए, क्योंकि अंजाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। गेट रेडी फॉर टारगेट किलिंग्स, यू विल डाई, ये मैसेज देकर हर एक शख्स जो है वो इस समय जो है वो शॉक में है, क्योंकि लश्कर इस्लाम का ये मैसेज जो है ये सर्कुलेट तेजी से हो रहा है। ये लेटर एक एक वर्ड जो इसमें लिखा गया है ये वही शब्द है जो 90s के अंदर कश्मीरी पंडित का जब निरसहार हुआ, जब उन्हें वहां से बाहर निकालने में कुछ ताकतें जो थी वो सक्षम रही, और उन्हें वहां से जब बाहर निकालने में थ्रेटन किया गया, उनके साथ वो तमाम चीजें करी गई जो शायद ही सुनकर और सोचकर हर एक शख्स जो है उसकी रूह तक जो है वो कांप उठती है। फिलहाल ये लेटर को पढ़िएगा, और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको चैलेंज कर रहा है ये लेटर। अब कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर क्या जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो तिरंगा झंडे से प्यार करते हैं, क्या उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है? क्या सरकार जो है उनकी सिक्योरिटी जो है उसे सुनिश्चित कर पाएगी? क्या सरकार जो है इस लेटर को कड़ा जवाब दे पाएगी? आखिरकार इस लेटर के जरिए जो टेरर आउटफिट्स हैं वो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर सिर्फ एक संगठन, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी जो है वही रहेगी, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं वह कश्मीर के अंदर नहीं रह सकती? एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है विस्थापितों को एक बार फिर से पुनः विस्थापित किया जाए कश्मीर के अंदर, वही दूसरी तरफ लगातार थ्रेटन मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। जिस तरीके से कटरा से आई बस जिसमें श्रद्धालु बैठे हुए थे उसका जिम्मा भी जो है जम्मू कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक आतंकी संगठन उसने लिया कि हमने ये कार्रवाई जो है, हमने ये हमला जो है वो किया। उसके बाद अब एक थ्रेटन मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है जितने भी आरएसएस के एजेंट हैं, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, आपको जो है घाटी छोड़नी होगी, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, अपनी सिक्योरिटी को डबल ट्रिपल कर लीजिए, आप लोगों की टारगेट किलिंग जो है वो की जाएगी, एंड यू विल डाई, ये लिखा हुआ है। अब ये मैसेज जो है ये चैलेंज कर रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज को, ये मैसेज चैलेंज कर रहा है भारत सरकार को। भारत सरकार का रुख क्या रहेगा? क्या भारत सरकार जो है तमाम लोगों को सिक्योरिटी दे पाएगी? क्या टारगेट किलिंग का दौर जो चल रहा है क्या उसे रोक पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। इस प्रोग्राम के साथ शुभ लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।